हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशम मोनो व्लॉग में। तो गाइस देखिए, सारे कपड़े को घड़ी करके रात में ही रख दिए थे, तो उसको क्या है ना, मैं सेट करके नहीं रखी थी। तो देखिए, सवेरे उठते साथ ही सबसे मेरा पहला काम वही है, सबको घड़ी कर दी हूँ, तो उसको सबको अपनी अपनी जगह में रख देती हूँ। तो गाइस देखिए, हो गया है मेरा वो वाला काम, और अब आ गई हूँ मैं किचन में। पानी गरम करूँगी, पहले तो पीऊँगी, और बर्तन जो है उसको मैं पूरा सेट करके रख देती हूँ जमा के। काफ़ी सारा फैला फैला है गाइस मेरा किचन जो है। मुझे ना किचन को भी थोड़ा सा चेंज करना है, बट अभी हो नहीं पा रहा है क्योंकि ठंड भी इतनी ज़्यादा है और मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है। थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है अभी, तो मैं ज़्यादा कुछ काम को ना नहीं कर रही हूँ। अब थोड़ी सी ठंडी कम होने दीजिए, फिर उसके बाद मैं करूँगी। और मैं ना दवाई भी पी रही हूँ अभी, मतलब अब रेगुलर पीने के लिए ना मंगवा रही हूँ 10 मूला रिस्ट, उससे क्या है अच्छा रहता है शरीर करके, तो उसको पी रही हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए, मैं आज रोटी बना रही हूँ क्योंकि ठंडी की वजह से ना अब इधर उधर का कुछ मतलब खिला नहीं रहा है मुझे खाना, तो ना रोटी ही बना रही हूँ। एक दो ठो रोटी खा लूँगी तो वो ठीक रहेगा करके। तो देखिए, रोटी सेक रही हूँ अभी मैं, और यहाँ पे ना होम रेमेडी अपना रही हूँ। मतलब ये ना जो काली मिर्च वो है, उसको मैं ना भूंज दी हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद ना उसको घी, उसको ना कूट दी हूँ मैं, तो उसको ना थोड़ा सा घी में करके उसको खा रही हूँ 2-3 बार ना, तो मेरा जो सर्दी है ना, वो कफ है, वो निकल रहा है। तो होम रेमेडी बोलते नहीं बन रहा, अभी ठंडी में तो आवाज़ भी ढंग से नहीं आ रहा है, तो ना वो बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा असर किया है मुझे ना। आप लोग भी एक बार यूज़ करके देखिएगा, अपना कर देखिएगा। काली मिर्च को थोड़ा सा भून लीजिएगा और उसके बाद फिर ना आप उसमें घी मिला के खा लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, मैं ना आलू छील रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए, तो कुछ और सब्ज़ी नहीं है, तो सिर्फ आलू ही बनाऊँगी मैं। तो सब कट करके रख ली हूँ, प्याज मिर्ची और धनिया पत्ती वगैरह है, मेथी सब कट करके रख दी हूँ। यहाँ पर रख दी दाल को, और कढ़ाई रख दी हूँ अब मैं आलू को बनाने के लिए। तो और रोटी और आलू की सब्ज़ी तो बहुत अच्छा लगता है खाने में भी, और सब्ज़ी वगैरह तो कुछ है ही नहीं, तो क्या बनाऊँ और मैं। तो देखिए, उसको छौंका लगा रही हूँ मैं, सबको एक में मिक्स कर दी हूँ, एक साथ ही डाल दूँगी, और कुछ तो डालना नहीं है उसको, बस अपना भूनना है, तलना है और बनाना है। तो देखिए, मेरा जो सब्ज़ी है ना वो हो रहा है। और वहाँ पर देखिए, मैं ना चावल को भी रख दी हूँ बनाने के लिए, टाइम तो काफ़ी हो गया था। और यहाँ पर आलू की सब्ज़ी मेरा ना रेडी हो गया है, तो उसको मैं बंद कर देती हूँ, और दाल को भी उतार दी हूँ और भात को रख दी हूँ। और यहाँ पर बाबू के लिए, श्रेयु के लिए मैं ना रोटी डुबा के रख दी हूँ दूध में, और अभी सोया हुआ है ना बाबू, तो मैं ना अपना काम कर लेती हूँ, कपड़ा वगैरह है उसको धो लेती हूँ फटाफट से, और उसके बाद सुखा वगैरह के आ जाऊँगी। और कचरा भी मेरे को फेंकना है, तो उसको भी मैं कर लूँगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, चावल मेरा पक रहा है और मैं ना कपड़ा को धो ली हूँ, तो चलते हैं सुखाने के लिए। और अभी बाबू ना सोया हुआ है, तो अपना और जो सारा काम है ना वो धीरे धीरे जल्दी से निपटा लेती हूँ, और ना कचरा फेंक में भी जाना है तो वहाँ भी चली जाऊँगी, तो पहले कपड़ा सुखा लेती हूँ। छत में चलते हैं, छत पहले चलते हैं, काफ़ी धूप है ना, मज़ा आ जाएगा धूप में जाने से। तो देखिए, छत आ गई हूँ। हाय,
तो यहाँ पर देखिए मैं सारे कपड़े को एक एक करके पूरा सुखा दे रही हूँ। बाबू का ही सबसे ज़्यादा कपड़ा है, मेरा तो कम है। तो गाइस देखिए सारे कपड़े सूख गए हैं और धूप में ना काफी मस्त लग रहा है, थक गई, तबीयत भी खराब है ना इस बार, पता नहीं बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब है, दर्द बहुत हो रहा है सब तरह। तो बाबू सोया है तो जा रही हूँ फटाफट से ना, कचरा को भी मैं फेंक देती हूँ ताकि वो भी काम हो जाए और झाड़ू पोछा भी लगा लेती हूँ। तो चलिए फिर नीचे चलते हैं क्योंकि ना अभी काम हुआ नहीं है और चावल मेरा पक रहा है तो चावल को भी देखना पड़ेगा। हम बाल्टी को रख लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं नीचे उतर गई हूँ और यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे चावल को देख रही हूँ ना, तो चावल मेरा हो गया है, पक गया है वो। तो मैं बर्तन ढूँढ रही हूँ देखिए उसको पसाने के लिए, तो वहाँ पर पानी था उसको फेंक दी, उसको मैं पसाने के लिए रख ली हूँ। तो यहाँ पर पसा रही हूँ मैं और अभी ना बाबू मेरा सोया ही हुआ है, तो देखिए काफ़ी सारा भर गया था ना, तो फिर उधर करी मैं बेसिन में। और मेरा ना बर्तन बहुत सारा पड़ा हुआ है, उसको भी मुझे धोना है, धोऊंगी थोड़ा देर बाद से। उससे पहले ना मैं कचरा को फेंक कर आ जाती हूँ नीचे से, काफ़ी सारा कचरा था गाइस, नहीं फेंकी थी तो फेंक के आ गई मैं कचरा को। देखिए मंदिर का निर्माण कितना पूरा हुआ है, दिखाती हूँ। टाइल्स लग रहा है, मंदिर का काम ना बहुत ज़्यादा पूरा हो गया है, टाइल्स वगैरह भी लग रहा है। और यहाँ पर मैं चढ़ रही हूँ ऊपर में, अब जाकर देखती हूँ ना ऊपर में बाबू उठा है कि नहीं। तो और बाबू नहीं उठा था तो फिर से लग गई हूँ मैं बर्तन को धोने के लिए। ढेर सारा बर्तन जो है रखा गया था तो धो देती हूँ उसको। बाबू ना सोया रहता है तो फटाफट से हो जाता है मेरा काम। उठ गया मेरा बाबू, मेरा श्रेयु, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। तो मेरा श्रेय उठ गया है, अब दोबारा सो के उठ गया है वो, क्योंकि सुबह उठ चुका था फिर उसके बाद फिर सो गया था, अब फिर उठ गया है। वो उठता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरा काम ख़त्म होने के बाद जब उठता है ना तो बहुत अच्छी खुशी होती है मुझे, है ना। उसको प्यार करने का बहुत मन करता है, उसको खिला रही हूँ देखिए, गुदगुदा रही हूँ तो हंस रहा है। और यहाँ पर गर्म करके रख दी थी मैं पानी को, तो उसको पिला रही हूँ पानी को मैं। वो काफ़ी मस्त बात करता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा, उसका बात सुन के ना बहुत अच्छा लगता है। आजकल अब बोलने लग गया है तो ना बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। ओके मामा, कुछ भी बोलोगे तो ओके मामा ऐसा बोलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैं उसको चेयर में बैठा दी हूँ और बैठ गया है, और मैं यहाँ बिस्तर को झाड़ लेती हूँ पूरा फैला है। तो श्रेयु ना काफ़ी बात मानता भी है और कभी कभी ना बहुत ज़िद भी करता है, और बच्चे हैं तो ज़िद तो करेगा, हमको भी समझना पड़ेगा उस चीज़ को। अब समझ रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो देखिए मेरा बिस्तर जो है ना झड़ गया है, और मैं ले आई हूँ रोटी डुबा के रखी थी उसको, उसको खिलाने के लिए। तो वहाँ पे बिस्तर में बैठा दी हूँ और खिला रही हूँ,
खा रहा है, काफ़ी प्यार आ रहा है बाबू के ऊपर, मेरा श्रेयु के ऊपर, क्योंकि ना मेरा काम ख़त्म हो गया है ना, तो अब कोई टेंशन नहीं है, अब उसको देख ली हूँ और मतलब देखते रहूँगी उसको। तो यहाँ पर खा रहा है वो नाश्ता, और अब मेरा इधर का काम हो गया है किचन का पूरा, तो फटाफट से उसको साफ़ कर लेती हूँ। काफ़ी फैला रहता है ना किचन, देखती हूँ कब सेट करते बनता है मुझे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चेंज करना ही है। तो गाइस हो गई हूँ मैं रेडी अब जाने के लिए शॉप, अब जाऊँगी इनको फ़ोन करी हूँ, लेकिन फिर लेने के लिए आएंगे फिर जाएंगे। तो गाइस अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाबू देखिए रो रहा है वो, तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छी लगे तो कमेंट में बताइएगा। बाय बाय।